स्टोरी है हमारे पास में अभी, गरीबी भागी की देन नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बीस मिनट में स्टोरी खत्म करनी है। हम कितने मूर्ख हैं कि निर्धनता को भाग्य की देन समझ लेते हैं। भाग्य से निर्धनता का कोई कनेक्शन नहीं है। जब आप पैदा हुए थे, जब आपका जन्म हुआ था, तब ये आप देख के नहीं हुआ था कि आप गरीब के घर में जन्म ले रहे हैं या अमीर के घर में जन्म ले रहे हैं। या जब आपका जन्म हुआ था तो आपको ये भी पता नहीं था कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। कर्म करके आप अपने गरीबी के भाग्य को बदल सकते हैं। सबसे बड़ा जो अभिशाप है वह मानव जीवन का सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो हम मानते हैं निर्धनता, गरीबी। इसे सबसे बड़ा अभिशाप मानते हैं। यह मानव सभ्यता के मस्तिष्क पर एक बड़ा कलंक माना जाता है, धब्बा माना जाता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को कोई नहीं सुनता है, उसका कोई नहीं होता है, ना ही वह घर का होता है, ना ही वह घाट का होता है, ऐसा सुनने में आता है। आपने ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे जो प्रतिभावान तो हैं, लेकिन गरीब हैं या गरीबी से जकड़े हुए हैं। उनकी क्षमताओं का विकास ही नहीं होता पाता है। उनकी क्षमताओं का विकास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो अपनी क्षमताओं का विकास करना नहीं चाहते या सोचते नहीं है, और सोचते हैं तो करते नहीं है या उसके अकॉर्डिंग कर्म नहीं करते हैं। निर्धनता व्यक्ति के विकास का मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि व्यक्ति निर्धनता के अंदर ही अपने आप को निर्धन मानकर अपना विकास नहीं कर पाता है। उसके अंदर अपराधी प्रवृत्तियां पनपने लगती हैं। वो दुनिया में अपराध करने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसके अंदर सुविचार उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो सुविचार उत्पन्न अपने अंदर करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि वो गरीब है। तो इसलिए अगर इंसान को गरीबी से उबरना है तो अच्छे कर्म करने चाहिए। दरिद्रता गरीबी एक महान और बहुत ही बड़ा रोग है, तन मन दोनों को भस्म कर देता है। इसलिए अपने आप को कभी भी हास्य का पात्र ना बनाए, यानी ऐसा नहीं बनाए जिससे आपके ऊपर बाकी लोग आपको देखकर हंसे। सच्चाई तो यह है कि निर्धनता मानव जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनसे घिरे रहना है, या हम कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहते तो हम गरीब बने रहते हैं। क्या वजह है कि लोग सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते? इसके बारे में हम कुछ बातें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ने या प्रभु ने गरीबी क्यों बनाई है या गरीबी क्यों थोपी है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ऊपर वाला या भगवान चाहता है कि आप गरीबी से खुद निकलो, आप संघर्ष करके निकलो। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गरीबी को वरदान मानते हैं, क्योंकि गरीबी उन्हें मोटिवेट करती है, गरीबी की वजह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम परेशानियों का सामना करें और जीवन में जितनी परेशानी आए उतने ही डट के हम उनका मुकाबला करें। तो कईयों के लिए गरीबी वरदान है, कईयों के लिए अभिशाप है। जो समझते हैं अभिशाप है उनके लिए अभिशाप है, और जो वरदान समझते हैं उनके लिए वरदान है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको निर्धनता से सुख मिलता है और उससे उबरने पर और ज्यादा सुख मिलता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस श्रेणी के अंदर आते हैं। हम गरीबी से लड़कर, गरीबी से उबरकर किस तरीके से अपने आप को जीवन में संभाल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दियों में बिना कपड़ों के ठुठरता हुआ आदमी सुखी नहीं रह सकता या सुखी नहीं हो सकता, उसी प्रकार गरीबी के अंदर रहने वाला आदमी अपने मन के अंदर सोच ले, लेकिन
सुखी नहीं रह सकता। तो गरीबी के अंदर इंसान सुखी नहीं रहता है। बिना छप्पर के इंसान बरसात में भीगता ही है, तो उसको कौन सुखी कहेगा? ऐसा मान सकता है कि वो गरीबी के अंदर सुख है, लेकिन सुखी नहीं होता है। गर्मियों में कड़ाके की धूप में, जलती धूप में अगर घूमेगा इंसान, तो उसे कौन सुखी कहेगा? पेट में अगर खाने को नहीं मिल रहा है, तो उसे कौन सुखी कहेगा? तो गरीबी का किसी को सुख नहीं होता है। अगर कोई सोचता है कि मैं अपनी गरीबी में खुश हूं, तो वो गलत सोच रहा है। तो ये सुख नहीं होता है, ये अभाव होता है। गरीबी के अंदर ये सुख सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसी कठिनाइयां जीवन में आती रहती हैं, और ऐसी कठिनाइयां जीवन में कोई भी पसंद नहीं करता है, यानी इससे उभरने की कोशिश करता है। ऐसे लोग वो होते हैं जैसे साधु संन्यासी होते हैं, उन्हें कभी कभार ये जिंदगी पसंद होती है, क्योंकि उनका ध्येय दूसरा होता है। वो सुख सुविधाओं को त्याग कर सकते हैं, परंतु कपड़ा, रोटी और सिर छिपाने के लिए उनके लिए भी जरूरी चीजें जरूरी होती हैं। उन्हें भी ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। उनका लक्ष्य संग्रह करना नहीं होता है, लेकिन वो अपनी जरूरी सामान तो उनके लिए भी चाहिए होता है। कितने व्यक्ति अपने काम वासनाओं को शांत करने के लिए कड़ाके की ठंड में, अर्धरात्रि में, गंगा जल में खड़े रह सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्हें कष्ट सहन करने से शांति मिलती है, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, परंतु सांसारिक प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। उन्हें सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं। यदि वह ऐसा सोचता है कि वह निकम्मा है, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है और दूसरों को भी धोखा दे रहा है। किसी शास्त्र में लिखा है कि गरीबी में पैदा हुआ व्यक्ति गरीबी रहेगा, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। मानव का लक्ष्य समृद्ध जीवन है, अभाव नहीं है। मानव को अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। संसार में सुख सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मनुष्य संसार में आया है, तो उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमें आलस को त्याग कर कर्म करने चाहिए। आवश्यकता और इच्छा होने पर उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गरीबी से, निर्धनता से निकलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। गरीबी के लिए दोषी कोई नहीं है, भाग्य के लिए कोई दोषी नहीं है, आप हैं। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप ही इस बात के दोषी हैं। अगर कोई दूसरे को देखकर जलता है, या उसके बारे में सोचता है, या उसके बारे में गलत धारणा रखता है, या अपने मन के अंदर अलग अलग तरह के विचार अपना लेता है कि वो ऐसा है, उसके जीवन में ये सुविधा होने की वजह से उसने ऐसा प्राप्त किया, तो ये गलत धारणा है। क्योंकि जीवन में संघर्ष करके अलग अलग तरीके हैं जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करने के। सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने कर्तव्यों का अच्छी तरीके से पालन करें, ईमानदारी से जीवन जीने पर इंसान को मूलभूत सुख सुविधाएं मिली जाती हैं। निर्धनता, गरीबी एक बहुत ही कष्टदायी जीवन होता है। सांसारिक अभावों को जन्म देती है निर्धनता, साथ ही मानसिक सुख और शांति को भी गरीबी छीन लेती है। व्यक्ति की इज्जत को भी छीन लेती है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनकी इज्जत थोड़ी कम होती है, ऐसा माना जाता है। कोई भी उनका नसीब नहीं होता है, ऐसा भी माना जाता है। वो अपने आज जिंदगी को फंसा हुआ महसूस करते हैं, कभी जीवन में खुशी की कल्पनाएं करते रहते हैं, कल्पनाओं में वो जीते रहते हैं। इसलिए गरीबी का जीवन जीने से अच्छा है कि इंसान बढ़िया से, अच्छी तरीके से कर्म करे। दूसरी बात हम देखें कि निर्धनता का मूल कारण क्या है। निर्धनता का एक कारण इंसान की सोच हो सकती है, और दूसरा उसके कर्म हो सकते हैं, तीसरा आसपास का वातावरण भी निर्धनता का कारण हो सकता है,
फिजूल खर्ची निर्धनता का कारण हो सकता है, फिजूल खर्ची आदमी भी निर्धन बन जाता है, उसे सोच समझ नहीं होती कि किस कार्य में उसे पैसा खर्च करना चाहिए किस कार्य में नहीं करना चाहिए, तो वो भी ये गरीबी का कारण हो सकता है। निर्धनता में ज्यादातर लोगों की सहायता नहीं की जाती है, तो इसलिए भी वो गरीब बने रहते हैं। लेकिन अगर इंसान कर्म करता है तो धीरे धीरे सफलता के शिखर पर पहुंच ही जाता है। निर्धनता में लोगों को क्या करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो निर्धन क्यों है, क्या वजह है जिससे उनकी निर्धनता दूर की जा सकती है। उनको बैठकर सोचना चाहिए, फिर उसके अनुसार ही कर्म करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सदा सोचता रहता है कि वह निर्धन है, वह धनी कैसे बनेगा, तो सोचते सोचते वह उसके अनुसार कर्म करता है। वो सोचता है कि मैं धनी क्यों नहीं हूं, गरीबी का रोना रोने के बजाय वो कर्म करने लगता है, तो धीरे धीरे वो सफल हो जाता है जिंदगी में और अपनी गरीबी से मुक्ति पा लेता है। गरीबी में मन का क्या योगदान होता है? मन का बहुत बड़ा योगदान होता है गरीबी में। अगर मन के अंदर आदमी ये सोच लेता है कि वो गरीब है, वो गरीब ही रहेगा, तो वो गरीब ही रहेगा। अगर मन के अंदर वो सोच लेता है कि वो गरीब है लेकिन गरीबी से निकलने के लिए कर्म करेगा और गरीबी से निकल जाएगा, तो वो गरीबी से निकल जाता है। तो मन का भी योगदान काफी बड़ा होता है गरीबी के अंदर, अगर गरीबी से निकलना है। मन की दृढ़ता से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर मन के अंदर वो अच्छे विचार लाता है तो उसके जीवन में खुशहाली आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर गरीबी से निकलना है तो आप उद्योगी बन सकते हैं, यानी कि व्यापार कर सकते हैं। कुछ संपन्नता के या संपन्न होने के जीवन में बहुत सारे विकल्प होते हैं, अपने जीवन में सफल होने के बहुत सारी रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सभी तरीके अच्छे होते हैं अगर उन्हें अच्छी तरीके से अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में अच्छे कर्तव्यों का पालन करें, तो हर इंसान निर्धनता से निकल सकता है। लोग देखते हैं कि एक दिन व्यक्ति शिखर पर बैठा होता है जो पहले वो काफी गरीब था, तो ये सब उनके जीवन में कर्तव्यों का ही फल होता है। कोई चमत्कार गरीबी से निकलने के लिए नहीं होता है। इंसान को कभी भी कंजूस नहीं बनना चाहिए, मितव्ययी बनना चाहिए, यानी कम खर्च करने वाला बनना चाहिए। कंजूस और मितव्ययी में काफी फर्क होता है, जैसा सुना जाता है, माना जाता है। क्योंकि कंजूस लोग होते हैं वो जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जहां जरूरत होती है वहां भी खर्च नहीं करते हैं, इसलिए मितव्ययी बनना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए। तो ये भी एक निर्धनता से निकलने का कारण वजह हो सकती है कि आप कंजूस ना बने, मितव्ययी बने, जहां पर खर्च करने की जरूरत है वहां पर खर्च भी करें, ताकि जीवन में सफलता के अवसर आने की संभावना हो। सफलता का द्वार एक दृढ़ निश्चय भी हो सकता है कि आप जीवन में दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे इस गरीबी से निकलना ही है और इसके रास्ते ढूंढने ही हैं। तो दृढ़ निश्चय करने के बाद भी आप गरीबी से निकल सकते हैं। अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करके लक्ष्य की तरफ बढ़े अपने की तरफ, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए और अपनी गलतियों से सीखते जाइए, अपनी कठिनाइयों को सामना कर लेते जाइए, अपने इरादे बुलंद रखिए और अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को हटाते जाइए और उनका डटकर मुकाबला कीजिए। धीरे धीरे आपके पास में जीरो से लेकर अपार संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी और आप अपार संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप गरीबी से निकल सकते हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी है कि किसी भी समय एक परिवार होता है वो काफी गरीब होता है, फिर विश्व युद्ध में उसके कल कारखाने और घर बार सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में उस परिवार का मुखिया है वो मारा जाता है, सारा परिवार संकट से गिर जाता है, तो उस परिवार के अंदर गरीबी
आ गई है। अब क्या होता है कि वो अपने अंदर या उस परिवार के अंदर जो भी जरूरी चीजें होती हैं उससे वो अपना गुजारा करते हैं और अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। एक दिन परिवार के सदस्य ने किसी पत्रिका में एक लेख पढ़ा और निर्धनता से क्या है कि वो एक मानसिक रोगी है और उस रोगी का इलाज करने के लिए एक क्या है बिजनेस चला रहा है। तो बिजनेस चला हुआ है तो वो वहां पर औषधियां वहां से दूर जाती हैं, यानी एक बिजनेस है। तो उसने पत्र पढ़ा, वो बिजनेस करने के लिए गया। बिजनेस क्या था कि वहां पर जो रोगी थे मानसिक रोगी उन्हें दवाई पहुंचाने का काम था। तो वो काम करने लग जाता है और धीरे धीरे उसे दवाइयों का भी नॉलेज होने लग जाता है और देखते ही देखते वो अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता है और दवाइयों के बारे में नॉलेज ग्रहण करके वो उस कंपनी का ही मालिक बन जाता है। तो एक नॉर्मल सी घटना से आप गरीबी दूर कर सकते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए मन के अंदर आत्मविश्वास जगाना होता है, आशापूर्ण जीवन जीने की कोशिश करनी होती है, अपने देह को अपने शरीर को सशक्त बनाना होता है, जीवन के संघर्ष का सामना हमें डटकर करना होता है। भयंकर से भयंकर कमजोर व्यक्ति भी अपने जीवन में सफल हो सकता है अगर उसके इरादे मजबूत हैं और अच्छे विचार अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। तो भयंकर से भयंकर कमजोर व्यक्ति भी अपने जीवन में सफल हो सकता है। आप अगर व्यापारी नहीं बन पाए हैं तो कुछ और बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। संसार में सफल होने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, आशावादी होना बहुत जरूरी है। अगर आप आशावादी व्यक्ति हैं और विश्वास रखते हैं अपने आप पर तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गरीबी कुदरत की देन मानकर आप कभी भी भ्रमित ना हो, कभी भी अपने आप को या अपने जीवन में जो गरीबी है उसे कुदरत की देन ना माने, उसके मुकाबले उसे दूर करने के लिए अपने जीवन में कर्म करें और अपने हाथों अपना मुकद्दर लिखने की कोशिश करें, संघर्षों से जूझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि दृढ़ता संघर्ष आत्मविश्वास ये जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं के द्वारा जीवन में खुशहाली लाई जाती है। तो जीवन के अंदर अगर संघर्ष करता है इंसान तो अपने जीवन में सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अपने जीवन में आसानी से सफल हो सकता है।